ऑफ इंस्टीट्यूशन। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया था कि निषेचन के बाद फल का निर्माण कैसे होता है और अंडाशय जो होता है उसका क्या होता है, तो वो कैसे फल में परिवर्तित हो जाती है। निषेचन के बाद क्या हुआ था कि निषेचन के बाद बहुत सारे चेंजेस आते हैं प्लांट में, तो वो सारे हुए, यानी जो बीजांड था वो क्या कर रहा था, त्रिगुणित केंद्र बनने के बाद बीजांड क्या कर रहा था, अपने साइज को बढ़ा रहा था। कैसे, डिवीजन करके, यानी कंटिन्यूस डिवीजन होने के बाद उसका साइज जो था वो बढ़ता चला जा रहा था। उसके बाद कुछ क्षणों के लिए जो बीजांड होता है वो भोजन को इकट्ठा करता जाता है और कुछ समय के लिए सुषुप्ता अवस्था में चला जाता है, यानी उस टाइम में उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही होती, क्योंकि उसमें भोजन जो होता है उसको चाहिए होता है किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो उसने अपने पास स्टोर करके रख लिया होता है। उसके बाद क्या होगा कि अंडाशय में क्या परिवर्तन हो, अंडाशय जो था वो क्या कर रहा था, ओवरी जो थी उसकी वो फ्रूट में चेंज हो रही थी, यानी अंडाशय जो होता है उसका वो फल का निर्माण करता है। और उसके बाद क्या था, अंडाशय की भित्ति थी यानी ओवरी वॉल, वो क्या बना रही थी, फल की भित्तियां। फल में तीन तरह की भित्तियां थी, बाह फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, मध्य फल भित्ति। तो बाह फल भित्ति, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था मैंगो, तो बाह फल भित्ति क्या होती है, इसकी बहुत ही पतली होती है, जैसे आउटर लेयर। और मध्य फल भित्ति वो कैसी थी, गूदेदार, यानी जो हम लोग खाते हैं। और अंतः फल भित्ति जो थी वो कैसी, गुठली, जो हम लोग फेंक लेते हैं, जो क्या करते हैं, एक तरह से प्रजनन का होता है, अगर वो एनिमल्स खा लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, दूर 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 तक पहुंचा लेते हैं, जिससे नया प्लांट का फॉर्मेशन भी हो जाता है। आज हमें क्या पढ़ना है कि निषेचन के बाद पुष्प में क्या परिवर्तन होता है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि निषेचन के बाद बीजांड में और अंडाशय में क्या परिवर्तन होता है, लेकिन आज हमें क्या पढ़ना है कि पुष्प में क्या परिवर्तन होता है। तो पुष्प में परिवर्तन क्या होगा, निषेचन के बाद पुष्प के अंडाशय से फल और बीज का निर्माण होता है, किससे, पुष्प के अंडाशय से। ओवरी क्या करेगी, फ्रूट का फॉर्मेशन कर रही थी, तो ओवरी से क्या हो, फल और बीज का दोनों का फॉर्मेशन होता है। और क्या कि पहला जो भाग होगा, जो फ्लावर के कितने चक्र बताए थे, चार बताए थे, उनमें क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन या फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन उससे पहला पार्ट जो हम लोग बात करेंगे फ्लावर का, वो है बाहर यानी कैलिक्स। तो कैलिक्स क्या होंगे कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या करें, कैलिक्स होते वो गिर जाते हैं मुरझा के, क्योंकि उसके बाद इसकी कोई भी नीड नहीं होती है। लेकिन टमाटर, बैगन, रसभरी और मिर्च जैसे प्लांट में जो ये बाहर दलपुंज होते हैं वो एज इट इज लगे होते हैं, ये नहीं गिरते हैं। सेकेंड है दलपुंज, दलपुंज भी क्या करेंगे, मुरझाकर गिर जाएंगे, क्योंकि इसकी भी कोई भी नीड नहीं रह जाती है। थर्ड है पुंकेसर या फिर स्टेमन, स्टेमन क्या करेंगे, ये भी सूख कर गिर जाएंगे, इसकी भी कोई नीड नहीं होती है फर्टिलाइजेशन के बाद। फोर्थ है वर्टिकार्ड, जो की स्त्री केसर का भाग था स्टिग्मा, जो क्या करेगी, मुरझा जाएगी। और फिफ्थ है स्टाइल या फिर वर्टिका, जो कि मुरझा जाती है, यानी ये सारे चेंजेस आ रहे हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। सिक्स्थ है अंडाशय या फिर ओवरी, ओवरी क्या करेगी, फल में परिवर्तित हो जाती है, यानी ओवरी होता है वही क्या होता है, मेन फ्रूट होता है, या फिर फ्रूट होता है वही ओवरी होती है। सेवन है बीजांड या फिर ओव्यूल, ओव्यूल क्या होता है, बीज में बदल जाता है, जिसे अभी तक हम लोग बीजांड बोल रहे थे, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में हमने एक डायग्राम बनाया था, उसमें एक स्ट्रक्चर था बीजांड अंडाशय में, तो वो क्या बना रहा है, बीज का फॉर्मेशन कर रहा है। नेक्स्ट है अंडकोश का, अंडकोश यानी एग सेल की बात की, जो एग सेल क्या बना रही है, भ्रूण बना रही है। भ्रूण क्या होता है, जायगोट के बाद डिवीजन स्टार्ट होता है, तो वो क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है। नेक्स्ट है अंडाशय भित्ति या फिर ओवरी वॉल, ओवरी वॉल क्या बना रही है, फल भित्ति, जो मैंने अभी बताया कि तीन तरह की होती है, मध्य फल भित्ति, बाह फल भित्ति, अंतः फल भित्ति। बाह फल भित्ति मतलब जो सबसे बाहरी लेयर होती है, वो सबसे पतली होती है, जिसे हम लोग छिलका समझते हैं, छिलका बोलते हैं। मध्य फल भित्ति जिसे हम खाते हैं, जो गूदेदार होती है। और अंतः फल भित्ति यानी बीज या फिर गुठली, जिसको हम फेंक देते हैं, वो क्या होगी, अंडाशय भित्ति। नेक्स्ट है द्वितीय केंद्र, क्योंकि उसमें कई सारे केंद्र होते हैं, द्वितीय केंद्र क्या बनेगा, भ्रूण कोष। भ्रूण कोष सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। तो भ्रूण कोष क्या करेगा, भ्रूण कोष बनेगा और वो किससे बनेगा, द्वितीय केंद्र से बनेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस से बनेगा। और भ्रूण कोष करता क्या है, जब बीजांड जब फर्टिलाइजेशन होता है, मेल फीमेल गैमेट जो फ्यूज होते हैं, तो टू इन डायगोट बनता है। जहां तक हमें पता है कि ये फर्टिलाइजेशन है, टू इन डायगोट बन गया। टू इन डायगोट का मतलब इसमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब ये क्या बनाएगा, इसने बना दिया डायगोट। उसके बाद जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बचता है वो क्या बनाता है, एंडोस्पर्म, जो कैसा होता है, 3N ट्रिप्लॉयड होता है। और वो करता क्या, इस 2N डायगोट को क्या करेगा,
जा रहे हो तो बहुत जल्दी डेवलप हो जाए फूड का फॉर्मेशन है। कौन प्रोवाइड करता है? भ्रूण कोष। तो भ्रूण कोष क्या हो, एक तरह से मीडियम ऑफ न्यूट्रिशन हो गया किसके लिए, जायगोन के लिए। नेक्स्ट है बीजांड कवच। बीजांड कवच क्या बनेगा, बीजावरण यानी बीज के ऊपर का जो एक होल होता है वो बनाएगा। नेक्स्ट बीजांड व्रण। बीजांड व्रण क्या है, बीज का व्रण जहाँ से बीज जो है अटैच होता है। तो मैंने आपको क्या पढ़ा है कि निषेचन के बाद, अभी तक हम लोग पढ़ा बीजांड में क्या होता है, उसके बाद पढ़ा अंडाशय में क्या चेंजेस आते हैं, और आज हम लोग पढ़ेंगे निषेचन के बाद पुष्प में क्या चेंजेस आते हैं। कि हम लोगों ने पढ़ा है कि पुष्प में चार चक्र होते हैं, बादल पुंज, दल पुंज, स्त्री केसर, पुंग केसर। तो स्त्री निषेचन के बाद क्या हो रहा है, पुष्प के अंडाशय से बीज का निर्माण हो रहा है। अंडाशय से क्या होगा, फल और बीज का, ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर हम लोगों से पूछा जाए कि फल और बीज का निर्माण कहाँ होता है या किससे होता है, तो पुष्प के अंडाशय में, फ्लावर की ओवरी से होता है, ये याद रखने वाली चीज है। तो बादल पुंज क्या कहाँ क्या हो जाता है उनका, तो गिर जाएंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जैसे टमाटर, लेकिन आपने देखा होगा जब टमाटर आप लेते हो तो जब वो नया टमाटर होता है यानी जो अगर आप बिल्कुल फ्रेश टमाटर देते हो तो उसमें वो लगा हुआ होता है उसका व्रण, यानी उसके जो बादल होते हैं ग्रे ग्रे टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं वो लगे होते हैं। जैसे मिर्च देखते हो या बैगन, बैगन देखते हो जो आपको ऐसे दिखाई देता है जिससे वो अटैच होता है प्लांट से तो वो उसके साथ लग गया होता है, या फिर आप मिर्च देखते हो, मिर्च के जो मिर्च जो होता है वो जिस पार्ट से अटैच होती है वो साथ होती है, यानी वो बादल कुछ के साथ अटैच रहता है लास्ट टाइम तक, और बाकी में क्या होता है गिर जाते हैं। दलपुंज की बात है तो ये भी गिर जाएंगे। दलपुंज क्या थे, जो कलर्ड थे यानी जो पंखुड़ियां थी वो भी गिर जाएंगी फ्लावर की, उसका कोई भी काम नहीं होता है फ्लावर में फूल के फॉर्मेशन फूल के। पुंकेसर की बात है तो ये भी सूखे गिर जाएंगे क्योंकि परागण हो चुका है, निषेचन हो चुका है, क्या बनेगा फल, इसलिए पुंकेसर की भी कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट वर्धिकाव, तो वर्धिकाव क्या होगी, मुरझा जाएगी कि अब परागण नहीं, परागण जो है वहां नहीं आएगी और परागण भी नहीं होना है। नेक्स्ट वर्धिका, तो वर्धिका मुरझा जाएगी, परागण जब नहीं आएगी तो वो किसी काम, इसलिए वहां पर कोई भी बल नहीं होगा और मुरझा जाएगी। नेक्स्ट है ओवरी, तो ओवरी क्या होगी, मेन पार्ट होता है फल को परिवर्तित कर, फल में परिवर्तित हो जाएगी ओवरी, तो यानी जो मेन फंक्शन होगा ओवरी का वो फल में चेंज कर देगी किसी भी फ्रूट को आफ्टर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट बीजांड, तो बीजांड क्या रहेगा, ओव्यूल, बीज में बदल जाएगा। ओव्यूल जो था वो मैंने लास्ट अपने लेक्चर में बताया था कि वो एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, वहां पर क्या हो रहा था लास्ट पार्ट जो था ओवरी का वहां पर बीजांड लिखा था मैंने, तो ये क्या करेगा बीज में चेंज हो जाएगा। अंडकोश का एंसर क्या बना देगी, भ्रूण बनाएगी। भ्रूण क्या करता है, जायगोट की बार डेवलप होके भ्रूण का फॉर्मेशन होता है और वही डिवाइड होता रहता है, फिर क्या बनेगा अंडाशय भित्ति से फल भित्ति बनेगी जो मैंने बताया कि थ्री टाइप्स की होती है। द्वितीय केंद्र क्या बनेगा, भ्रूण कोष। भ्रूण कोष की जो रोल होता है वो सबसे ज्यादा होता है, क्यों कि भ्रूण कोष इस टूएन जायगोट को न्यूट्रिशन देगा जब तक ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हो जाए, ये फ्लोइड होता है और जायगोट डिप्लॉयड होता है और ये क्या करेगा ये पोषण देता रहेगा जब तक ये जायगोट अच्छे से डेवलप नहीं हो जाएगा, एक फुल्ली डेवलप नहीं होता है तब तक ये इसको न्यूट्रिशन देता रहेगा इसको प्रॉपर ग्रो होने के लिए। नेक्स्ट है बीजांड कवच, तो बीजावरण बना यानी बीज को कवर करेगा, बीज का कवर बनाएगा। नेक्स्ट है बीजांड व्रण, और बीजांड व्रण क्या करेगा, बीजांड व्रण क्या करेगा, बीज को वहां से जोड़ेगा। सो स्टूडेंट्स दैट वाज फॉर टुडे, थैंक यू।